thank you लाइट्स, कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग ये यही ना बात सर माहौल जब होता शानदार तो सरकार जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओके ओके गुड 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 ओके स्टार्ट करें सर डन तो सरकार सबसे पहली बात जो हमने अब तक पढ़ा समझ में आ रहा कि जा रहा पक्का हंड्रेड परसेंट गुड तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमने सबसे पहले बात शुरू करी क्या गवर्नमेंट कौन होता है गवर्नमेंट कौन अरे गवर्नमेंट कौन ओके गुड okay, सर सारे टैक्सेस किसने बनाए सर हमने सारे लॉज किसने बनाए हमने डेफिनेटली ऑल लॉज आर लॉजिकल और वो हम लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं क्लियर फिर हमने बात करी क्या कि सर जीएसटी आने से पहले जब एक्साइज एक था सर्विस टैक्स था वेट था ये कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनमें स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पा रहा था एंड देर वर सम इन समी प्रीवियस इसलिए अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको अब करके एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लिया जिसका नाम क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स क्लियर जीएसटी सो दैट दस का क्रेडिट मिलने लग जाए सबको सर हाँ ना मालिक तो एक बार मुझे यार मैं भूल गया संडे था ना कल तो मैं भूल गया दस का क्रेडिट क्यों मिला तो मुझे याद दिला दोगे सर एक बार याद दिलाओगे क्या सर तो सर आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला ये सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला क्लियर अच्छा सेंडविड क्रेडिट हो या वेट क्रेडिट हो Fundamental, absolutely. Same है। जो सेंडविड क्रेडिट था वो सी हो गया जो वेट क्रेडिट था वो एस क्रेडिट हो गया मालिक हाँ पक्का डन अच्छा वीडियो क्लास में जो भी है सबको आवाज आ रही बेटा प्रॉपर कंफर्टेबल एवरीबडी यू आर कंफर्टेबल पक्का ओके गुड तो सर केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या बोला मालिक इंट्रा स्टेट सप्लाई पर विद इन सप्लाई पर सी एसजीएसटी लगता है इंटर स्टेटी सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल जीएसटी काउंसिल बनाया क्या बनाया बेटा जीएसटी काउंसिल एंसर इन सब ने मिलकर जीएसटी लॉ बनाया sir, हमने बात कर दी क्या सर एक सी जीएसटी एक्ट बना क्लियर एंसर 28 स्टेट प्लस तीन यूनियन टेरेटरी दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये तीनों में यूनियन टेरेटरी पर खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है खुद का विधानसभा है यहाँ पे सर हाँ है ना इसलिए इन तीनों में भी रेस्पेक्टिव एस जी एक्ट बना हुआ है साहब हाँ है ना मालिक क्लियर तो एक सीजीएसटी एक्ट थर्टी एस जी एक्ट एक यू टी जी एक्ट यूनियन टेरेटरी इसलिए बेटा हाँ है ना भाई एक आई जी एक्ट और सर एक, एक जीएसटी कंपनसेशन सेस हाँ है ना भाई टोटल थर्टी फाइव एक्ट बन गए अच्छा जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बेस्ड बेस्ड टैक्स टैक्स है पक्का जीएसटी कंजम्पशन जहां गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी जो गुड्स का या सर्विसेज का डेस्टिनेशन होगा उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा और रेवेन्यू फ्लो कैसे होता है शायद आपको समझ में पूरा आ गया हाँ ना मालिक पक्का क्लियर याद है बेटा गुड्स बनाता महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से निकल के कहा गया राजस्थान में गुजरात में गुजरात से कहा गया सर राजस्थान में अल्टीमेटली वो गुड्स या सर्विस कहां मालिक और रेवेन्यू किसको मिलेगा राजस्थान को क्लियर समझे इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स और सब जीएसटी आने की वजह से जिन जिन स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा रेवेन्यू का उन सबको कंपनसेट करेंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन से इसके फंड के थ्रू बेटा हा है ना मालिक यहां तक कुछ आ रहा कि जा रहा याद है वर्ड टू वर्ड पूरी पिक्चर याद आई आपको सर गुड सर फिर हमने बात कर दी क्या आखिर फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन से जीएसटी आ गया हाँ ना मालिक क्लियर पूरे इंडिया में आया पर जम्मू कश्मीर में नहीं आया पर महबूबा टू थाउजेंड कब से, से. प्रपोज डेट था फर्स्ट जुलाई मानी कब आठ जुलाई सात आठ दिन लगे समझने में कि प्यार क्या होता है अरे क्लियर सर <coughs> अरे पक्का ठीक सर तो सरकार एट्थ तो जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर भी स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके वहां एप्लीकेबल कर दिया इसको बेटा क्लियर पक्का डन फिर हमने शुरू किया क्या चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर नाइन से सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन सर बुक्स में ध्यान नहीं नोटबुक में ध्यान नहीं ध्यान पूरा इधर क्लियर सर पता है ये रिविजन चल रहा है री Re रीडिंग नहीं चल रही है विजन इज फ्रॉम माइंड रीडिंग इज फ्रॉम आईज क्लियर समझा मेरी बात तो आप अभी क्या कर रहे हो और पता है रिवीजन उन्हीं का हो पता है जिनका विजन होता है क्लियर और मेरी गारंटी है एक एक लाइन का विजन तैयार करके दूंगा हंड्रेड परसेंट बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए और ध्यान भी मैं इधर उधर नहीं होने दूंगा अरे क्लियर अरे क्लियर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन सी जी एस टी शैल बी लेवी ऑन ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई व्हाट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एक्सेप्ट लीगर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यस ए नो At the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of what value of such goods or service or both. High and high, clear, and it shall be payable by a taxable person or taxable person, love a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST. मतलब अगर आप जीएसटी में लाइबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए पर अगर आपने वॉलट्री रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी यू बिकम कमा टैक्सेबल पर्सन और जीएसटी पे करना पड़ेगा अगले दिन से बेटा हाँ ना भाई और अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो आपने रजिस्ट्रेशन कराया बहुत अच्छी बात है जीएसटी पे करना पड़ेगा साहब पर अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया स्टिल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन टैक्स तो हम आपसे लेंगे हम आएंगे विद बैंड बाजा बरात और लेके जाएंगे किसको दुल्हा तुम सर सुनना बात से जीएसटी भी लेंगे इंटरेस्ट पेनल्टी सब होता है बेटा ठीक है वो धीरे धीरे बात करेंगे आगे जाके बेटा क्लियर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ओके मालिक डन सरकार सेक्शन नाइन सब सेक्शन टू बोलता है पांच गुड्स कितनी गुड्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोनेज पेट्रोल एवियशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस अरे क्लियर समझे ये पांच गुड्स ऐसी जिन पे जीएसटी लगेगा बट बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय बाई गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई तो एट प्रसेंट कितनी गुड्स है जिनपे जीएसटी नहीं लगता सिक्स घूम लो झूम लो हा है नीएसटी नहीं है क्लियर पक्का डन सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर थ्री डॉन के केस में कौन लाए बल है अरे डॉन के केस में कौन लाए बल है बताता रहा हूं कौन लाए बल है अरे क्लियर है सर तो सर

वसूली भाई याद आया क्या रिकवरी एजेंट्स यस नो सर पक्का सर यहां पर रेसिपेंट जो बैंक होता है वही डायरेक्टली टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को वसूली भाई को अपना केवल कमीशन देगा बेटा वो क्लियर ठीक सर पक्का मालिक डन एंड सर सेक्शन नंबर नाइन सबसे बिल्डर की बात करी थी मैंने याद आया बेटा आपको yeah. कि सर जहां पर बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से किससे बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदा याद बेटा आपको वेरी गुड क्लियर सर

पक्का डन ये है आपका प्रोविजन अब सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर फाइव हमने बात करी थी क्या ओला उबर रैपिडो रेपिडो एटसेट्राटी कंटिन्यूड और कंटिन्यू हम कर रहे हैं लेके प्रभु का नाम बोलो जय श्री राम ये वही बात सर आइए मालिक आइए मालिक बात शुरू करते हैं सेक्शन नंबर नाइन अच्छा यहां तक क्लियर है बच्चों आपको मुझे है कि दो दिन में जो हमने पढ़ाया पे, आप बस घर से उठ के आ गए बेटा यहाँ पे क्लियर ये मुझे पता है ठीक हाँ, है हाँ ये मेरी गारंटी है भूलने कुछ नहीं दूंगा मैं क्योंकि मैंने कुछ याद कराया ही नहीं है ओके सर पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हावी हो जाता है तो भारी बढ़ जाता है सर ओके बच्चों इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट थी ये भी शुरू हुआ था आप भी अभी सेटल हुए होंगे बाहर से आए होंगे घर वगैरह सेट किया होगा आपने पर फिर भी सर ये मत समझना अभी तो शुरू हुआ है ठीक है पता ही नहीं पड़ेगा सर कब बम फूट जाएगा ओके बच्चों इसलिए इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आपको सेम डे जाके जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना और हाँ मेरी गारंटी है आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा घर पे सर टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आप देखो ना सर दो दिन में जो पड़ा, हमने पढ़ा सर फटाफट फटाफट फटा, 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 कैसे रिवाइज हुआ सर अरे क्लियर समझे एक एक वर्ड आपके यहां फिट करके भेजूंगा ये गारंटी पर सर आपके एंड पे एक बार होगा ना तो आपका यू नो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा सर ओके क्योंकि सर जब मैं सामने खड़ा हूं और आप रिवाइज कर रहे हो उस टाइम बोल रहे हो तो आपको लगता है सर की वजह से ज्यादा रहा है पर सर जब खुद पढ़ के देखोगे फिर आपको याद आएगा और मेरे को तो सही में सर कुछ कुछ है तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो समझे मेरी बात क्लियर दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड तो सरकार शुरू करते हम सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव शुरू करेंगे सर ओके मालिक सर सर अरे वाह 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 सपने में कहे हम तो नहीं आते रात को बेटा ठीक सर <coughs> सरकार सपनों में है वो ठीक है पर गलत सपनों में नहीं आना चाहिए बेटा है ना हाँ सर <laughs> पॉइंट ये गवर्नमेंट के पास पावर है किसके पास पावर है सर गवर्नमेंट के पास देखना अच्छा जैसे ही आपको अब ये कोई भी एक्ट पढ़ो कोई भी केवल जीएसटी की बात नहीं कर रहा जहां पे भी दिख जाए गवर्नमेंट के पास पावर है मतलब क्या है मतलब क्या है भाई डेलीगेटेड पावर क्लियर सर ध्यान देना बेटा ठीक है और जीएसटी के अंदर डेलीगेटेड पावर अगर है तो हमेशा क्या होगा बेटा ऑन दी रिकमेंडेश जीएसटी काउंसिल वो हमेशा होगा क्यों होगा सर इसके अंदर जीएसटी में क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पावर दे दिया और उसने कोई अमेंडमेंट कर दिया तो सर उनकी मनमानी चल जाएगी बेटा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया डायरेक्ट बिना जीएसटी काउंसिल के तो सर वो जीएसटी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा पूरे इंडिया में एक जैसा बेटा हा ना भाई क्लियर चलिए सर सर गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन दिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी काउंसिल दे के ध्यान से नोटिफाइ सटेन सर्विस माइंड इट दे के नोटिफाइज अटेन ओ मालिक दे के नोटिफाइज अटेन सर गुड्स नहीं है केवल क्या है देखो इधर ध्यान दो ये नाइन फोर यहाँ पे गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा है सर हा है ना भाई देखो नाइन थ्री गुड्स और सर्विस और बहुत लिखा है बेचा क्लियर नाइन टू में तो पांच गुड्स थी बेटा जिसमें जिस्ट नहीं लिखता बेटा सर नाइन वन लेवी वाला सेक्शन था गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा है हाँ ना भाई सो नाइन फाइव इज ओनली फॉर सर्विसेज ओके okay, बेटा ठीक है <coughs> अच्छा दो मिनट ध्यान देना बेटा मस्त ओके ऐसा दिमाग खराब करूंगा सर गवर्नमेंट इज द पावर दट ऑन द रिकमेंडेशन दी एस टी काउंसिल दे के नोटिफाई सटेन सर्विसेज और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकते कि इफ इफ दीज सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्यार से दिख रहा हूं क्या ईसीओके मालिक इफ दीज सर्विसेस आर सप्लाइड थ्रू एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ दैन ईसीओ शेल बी लाइबल टू पे जी एस टी ऑन दीज सर्विसेज एंड And all the provisions of the Act shall apply on ECO as if ECO is the

ओके सर 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 सरकार क्या हो गया क्या सर 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 सरकार अटक गया था बीच में बेटा सर 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 अटक गया था <laughs> सरकार सुनना। सेक्शन नंबर नाइन है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर अब पूरा बेटा लिखने का नहीं सर अभी सर, है ना? अभी विजन बनाने का वक्त चालू हो गया है ओके बेटा सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है एंड नोटिफाई करके बता सकता है क्या इन सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सप्लाई किया तो विल बी ट्रीटेड एज एस इफ सीओ इज ऑफ द एक्ट उस पर अप्लाई होंगे और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा सुन लिया आपने और समझना सर पहली बात तो यह है केवल सर्विसेज बच्चों वो भी सारी सर्विसेज नहीं है केवल नोटिफाइड सर्विसेज क्या क्या है सर और एट प्रेजेंट केवल चार सर्विसेज ही है नोटिफाइड कितनी बेटा फोर या आप एक सर्विस को स्प्लिट कर दिया है तो पांच चलो एक काम करते हैं आप लिख देता हूँ मैं सम सर्विसेज ठीक है सर क्योंकि ये भी अगेन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेवन के टाइम बेटा ठीक है सुनना बच्चे नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव हम डिटेल में पढ़ेंगे कहा चैप्टर नंबर सेवन में पर अभी बताना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए पता है आपको इतना मस्त है सर ये इतना मस्त पन पढ़ूंगा ओला उबर का नाम सुना आपने बेटा उन पे एप्लीकेबल है ओला पांच साल तक गलत करता था सर पांच साल बात समझ में आया कि प्रोविजन में क्या लिखा है सर कितने पांच साल लगे उनको समझने में क्लियर सर मैं डे वन से कह रहा था कि यहाँ पे प्रोविजन ऐसे अप्लाई होगा बट समझ नहीं आई ऊबर वॉज डूइंग करेक्ट हमारे भी एक क्लाइंट है इस तरह के सर जो छोटे लेवल पे काम करते हैं क्लियर उनको वो लेके आया मेरे पास 2017 जब शुरू था जीएसटी तब कि सर अब हमारे केस में क्या होगा Uber तो ऐसा कर रहा है Ola ऐसा कर रहा है हम क्या करेंगे मैंने कहा इनको तो लगा इनको हटा साइड में मैं बताता हूँ तुमको क्या करने का क्लियर सुनना ध्यान से बात ओके <coughs> okay? उस लेवल से अगर पढ़ना ध्यान इधर बेटा ओके okay? तो सरकार गवर्नमेंट के पास पावर है किसके पास पावर है सर कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं तो सर्विसेज को नोटिफाई कर दे तो उन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में अगर आपने उन सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ इज ईसीओ इज सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज लास्ट में सर 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 मेरे साथ बोलना है आपको एज इफ इज द छोड़ दो पेन वगैरह सब कुछ द ठीक है सर एग्जाम्पल देता हूं मैं ओला उबर इज द बेस्ट एग्जाम्पल स्विगी भी ले सकते हो आप सर जोमेटो भी इज स्विग्गीवर्ड ईयर बेटा ओके okay? सर मैं अमेजोन का एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि केवल सर्विसेज ही या पे बेटा और वो भी कुछ सारी नहीं बेटा ओके बच्चों फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो ओयो बेटा ये देखो आप <laughs> अभी इसको यही नहीं पता है कि ओयो से सर्विस सप्लाई होती है कि गुड सप्लाई होती है बेटा सर ओयो दोनों सप्लाई होते हैं बेटा वेरी गुड दैट्स कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई बेटा ओके okay? सर ये भी हम पढ़ेंगे बाद में बेटा वैसे वैसे ओयो रूम जहां आप जाते हो वो भी कवर है इसमें बेटा पर हाँ उसको अगर विजुलाइज करूंगा बेटा कुछ और ही विजुलाइज करेंगे आप बेटा सर इसलिए आ, सुना, ओला उबर बेटा मान लो मैं हूं टैक्सी ड्राइवर बेटा क्या चलता हूं बेटा टैक्सी सर सुना ध्यान से क्या ड्राइव करता हूं बेटा अब सरकार सुना बात को ध्यान से मेरी टैक्सी इज लिस्टेड ऑन ओला ओला इज एन एप्लीकेशन ओला इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसपे ये टैक्सी वाले ने अपना टैक्सी लिस्ट किया हुआ साहब आप पैसेंजर्स पैसेंजर बच्चो क्लियर आपको मान लो पुणे शुक्रवार पेड़ से कहा जाना है कहा स्वर्ग स्वारगेट अच्छा स्वारगेट चलो ओके 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 okay, ओके okay. <clears throat> मैं समझ रहा हूं आप क्या क्या चाह रहे हो बेटा जीवन में सर कह ना वक्त से पहले और किसी किस को कुछ नहीं मिलता है सर हाँ, वो बात अलग आप मैं यहां अलग विजन क्रिएट कर रहा हूं आप कुछ अलग ही विजुलाइज कर रहे हो सर और वो भी सुबह सुबह सर सरकार सर, पॉइंट ये कि मालिक सुनना मान लो शुक्रवार पेट से आपको शिवाजी नगर जाना है सर मान लो ओके okay, मालिक सर आपके पास ओला ऐप है बेटा आपने ओला ऐप ऑन करी टैक्सी बुक किया नियरेस्ट टैक्सी वाला मैं ही था बेटा अरे ना भाई सर टैक्सी लेके पहुंच गया बेटा मैं ओके okay, यहां से हम गए शिवाजी नगर मान लो फेयर था रुपीज टू हंड्रेड कितना था बेटा टू हंड्रेड अब मान लो ये जो सप्लाय जो ट्रांजेक्शन हुआ है यू टेल मी दिस सर्विस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस बच्चों हाँ है ना हाँ। ये सर्विस कौन सी बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस सर्विस सप्लायर कौन है बेटा एक्चुअली भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी किसने बेटा आखिर टैक्सी ड्राइवर ने बेटा अच्छा सुनो ये टैक्सी ओला की नहीं थी टैक्सी तो मंगल की बेटा हाँ आपने बुक किया है थ्रू ओला क्लियर मालिक

सर एक्चुअली सप्लायर ऑफ सर्विस है मंगल रेसिपेंट ऑफ सर्विस है पैसेंजर्स क्लियर और ओला कौन है बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक ईसीओ है जिसको कॉमन सेंस में एग्रीगेटर भी बोलते हैं सर क्या बोलते हैं बेटा एग्रीगेटर हम ईसीओ बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा हम ईसीओ क्योंकि हमको जीएसटी पढ़ना जीएसटी में ईसीओ वर्ड ही यूज हुआ है बेटा ओके okay, मालिक ठीक सर्विस टेक्स जब आया था ना सर सर्विस टेक्स जब था तब तो इसमें एग्रीगेटर बोलते थे बेटा अभी ईसीओ नाम क्लिक कॉमन एक ओके okay? ठीक सर अब मालिक एक्चुअल सर्विस सप्लायर में हूं सर्विस आप है। सर जब नया नया जब बिजनेस चालू हुआ था उबर ओला वाला बेटा बहुत मजा आया लोगों को सर पर गवर्नमेंट को समझ में आया साहब टैक्स का क्या होगा सर्विस टैक्स था उस टाइम सर्विस टैक्स था बेटा वही अभी जीएसटी बेटा क्लियर सर आप मुझे बताओ ये टैक्सी ड्राइवर को देख के बताओ क्या है टैक्सी ड्राइवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा सोच देखिए बेटा प्रैक्टिकली सोच के देखिए बेटा सारे टैक्सी ड्राइवर का मेजोरिटी ऑफ द जो क्राउड है ना उसको देख के आप सोचिए सर सर इतना बिजनेस नहीं है ये है।, हाँ है ना भाई सर वो टैक्सी ड्राइवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा क्या आपको लगता है वो जीएसटी पे करेगा क्या आपको लगता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा सीए अपॉइंट करेगा पर सर ओला तो बड़ा आदमी ना अच्छा पैसेंजर्स तो एंड कंज्यूमर से बेटा वो तो डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट को बच्चे क्लियर अब सर गवर्नमेंट ने देखा यार, यार, टैक्स तो आपने पास मजा तो खूब आ रहा लोगों को बिजनेस तो बहुत बड़ा ग्रो हो रहा है बोला क्या दिमाग मत करना मंगल क्या बोला सर दिमाग मत करना मंगल ओला तू तो बड़ा आदमी है तू तो समझदार है तू तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइज चल रहा है ना भाई यू ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विस की सर्विस ईसीओ ने प्रोवाइड नहीं करी थी सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी थी बेटा टैक्सी वाले ने फिर भी फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी क्या बोला सर ईसी ट्रीटेड एज इफ ईसी

ठीक है उसका मान लो कमीशन ने ट्वेंटी रुपए कितना है बेटा मान लो ट्वेंटी रुपी ओला का कमीशन ने अपना कमीशन काटा बेटा क्लियर रिमेनिंग अमाउंट एक सौ जो बचा वो मेरे को पे कर दिया बेटा हाँ ना भाई क्लियर मालिक डन क्लियर सर मेरे को अल्टीमेटली एक सौ अस्सी रुपए मिल गया मान लो बीस रुपये इंक्लूसिंग जीएसटी उसका कमीशन जो था उस उसमें भी जीएसटी लगाया हुआ सर उसने वो उस पर जीएसटी लगा के वो वो खुद ही सप्लायर था क्लियर उसने मेरे को सर्विस दी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बेटा अरे ना भाई ओला प्लेटफॉर्म सर्विस एक तरह से ठीक है उसका कमीशन बीस रुपए प्लस बीस रुपए इंक्लूसिव जीएसटी मान लो वो उसने लेके गवर्नमेंट को पे किया होगा उसमें से जीएसटी दस रुपए जो आपका और मेरा ट्रांजेक्शन था उस जीएसटी उसने पे किया होगा रिमेनिंग वन एटी मेरे को पे कर दिया ट्रांस इसको ड्राइवर को बेटा है हाँ ना सर क्लियर <laughs> Clear? बताओ <clears throat> इस दो रुपए के ट्रांजेक्शन पर हु इज लाइबल टू बी जीएसटी इस दो रुपए के ट्रांजेक्शन पर सर इस दो रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी हु इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज

इसलिए सेक्शन सेक्शन नंबर रिवर्स चार्ज नहीं है 95 क्या है है बेटा फॉरवर्ड चार्ज चार्ज जबकि देश की आधी जनता समझती क्या क्या ये रिवर्स खाक सर मिनट अगर आपने नोटिस किया हो लिखा है बच्चों मिनट था ऑल दी प्रोविजन ऑफ दिल अपलाईन सॉरी ऑन

अरे क्लियर समझे मेरी बात डन इसलिए सर नाइन फाइव इज द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नॉट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई मैं यहां पे आपके लिए लिख भी देता हूं एफ सी ए मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यस या नो no? <coughs> कौन लाए बोले भाई कौन लाए बोले सर सप्लायर क्लियर सप्लायर कौन ईसीओ और हां ईसीओ को पता है क्या बोला इन नोटिफाइड सर्विसेज में तुमको ही टैक्स पे करना है और हाँ तुमको ही टैक्स पे करना है और हाँ तुमको ही टैक्स पे करना है मतलब तीन बात बोली बेटा कि इफ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया तो तो उसको टैक्स पे करना है उबर आउट ऑफ इंडिया है ना बेटा यार ये तो ईसू के थ्रू काम चल रहा है बेटा टेक्नोलॉजी के थ्रू बेटा जरूर थोड़ा तो ऑफिस हो बेटा यार

वड़ा पाव चहा ओके सर मान लो मैं हूं सैंडविच वाला बेटा क्या मानता हूँ बेटा अब सर स्विगी के थ्रू आपने ऑर्डर किया बेटा अब सर आप मुझे बताओ ये सैंडविच वाला सैंडविच बनाएगा कि जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा बेटा समझे मेरी बात बेटा अगेन 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 ये देखो सेक्टर बेटा समझे इतने बड़े लेवल कॉर्पोरेट नहीं है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दे रिटर्न फाइल करते, पे करते सब कर दे है, है, बच्चा है हाँ ना भाई क्लियर आपके जैसे ओयो रूम के लिए भी लेके आए बेटा अरे क्लियर समझे मेरी बात पक्का डन प्लम्बर कारपेंटर सर अर्बन क्लब डॉट कॉम उस कीपिंग बच्चों हाँ है ना भाई ये भी नोटिफाइड है ये सारी services बता आपको। ये सारी सारी मैंने बता दी है बेटा बेटा आपको सब वैसे में मैक्सिमम uh, बात कर चुका हाँ ओला गलत क्या कर रहा था ये मैंने आपको नहीं बताया बेटा सर वो अभी नहीं बता सकता मैं आपको क्लियर बस अभी इतना समझ लीजिए

ओके मालिक ठीक सर तो सर सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव खत्म होता है अब आई होप पूरा पॉइंट आपको <coughs> ये अरे सर पका। तो सर तो एक बार सेक्शन नंबर नाइन पूरा बोल क्या बच्चों ये पूरा सेक्शन नाइन खत्म हो गया बच्चा आपके लिए क्लियर सेक्शन नाइन सब सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन बोलता है क्या सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन स्टेट सप्लाई वोट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन एट जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन ट्वेंटी दारू के जीएसटी नहीं लगता सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है पांच गुड्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नॉलेज पेट्रोल एवियन टर्बाइन एंड नैचुरैस इन पर जीएसटी लगेगा फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड बाई द रिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी काउंसिल अभी तक नोटिफाई नहीं किया टेक्सीबल सप्लाई क्या बैठाइए नॉन टेक्सीबल सप्लाई छह गुड्स क्योंकि इन पर जीएसटी लेवी ही नहीं होता <coughs> हा हाँ मालिक

क्लियर एज इफ इज दी सप्लायर पर यहां पे केवल सर्विसेज है और वो भी नोटिफाइड सर्विसेज है सारी सर्विसेज नहीं है इसी के साथ सेक्शन नंबर नाइन खत्म होता है अब hmm. hmm. ठंडा है सर हम्म राम राम गर्म सरकार जो सेक्शन नंबर नाइन है इधर ध्यान <coughs> ये लेवी वाला सेक्शन था बेटा अरे क्या था मालिक लेवी वाला सेक्शन सेक्शन नंबर नाइन जो सेक्शन नंबर नाइन है सीजीएसटी एक्ट में एब्सोल्युटली सेम सेक्शन नंबर नाइन हर एसजीएसटी एक्ट में भी बेटा वहां पे भी इंट्रास्टी लिख रहा है मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट लिखी वर्ड टू वर्ड सेम बेटा क्लियर सर Act. क्या IJST Act. IJST Act का section number one, इस Act का इस नाम Integrated Goods and Services Tax Act 2017 होगा होगा से हो पूरे हिंदुस्तान में होगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर 8 जुलाई को मैं भी मान गई रहा है ना क्लियर फिर सेक्शन टू में डेफिनेशन दे जो काम की हम पढ़ेंगे बाद में बेटा ठीक है पहला वन सेक्शन नंबर फाइव जो चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट में क्या है बेटा चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर फाइव बोल दू क्या फटाफट फड़। पूरा सेम जो हमने सेक्शन नाइन पढ़ा पूरा सेम हल्का सा चेंजेस आपको पता है बेटा ठीक है एक चेंज हो रहा है जो आपको नहीं पता बोल दूंगा मैं आपको सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन वन लेवी चार्जिंग सेक्शन आईजीएसटी एक का आईजीसी सेल्वी लेविड जल्दी बोलो आईजेसी सेल लेविड ऑन इंट्रा स्टेट इंट्रा आईजेसी सेल्वी लेविड ऑन इंटर इंटर स्टेट सप्लाय वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्को लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 40 परसेंट वॉट वेल यू सब सप्लाई ऑफ गुड्स और और सर्विस बोथ एंड इट शेल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन क्लियर सर सेक्शन फाइव सब सेक्शन नंबर टू वो पांच गुड्स कौन सी पेट्रोलियम वाली जिनपे जीएसटी नहीं लगता

देना दन यहां तक क्लियर आपको बच्चों अरे यहां तक क्लियर ना। सर ना। यार आप मुझे बताओ इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला मालिक इंपोर्ट ऑफ गुड्स अच्छा वीडियो क्लास में जो भी देख रहे बेटा उनको भी बोलना है समझे मेरी बात मैं आपको सुन रहा हूं ओके ऊपर वाला सब देख रहा है हा है ना भाई सर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे सिंगापुर से कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया तो डायरेक्ट फ्लाइट आएगी और आपके घर क्या लैंड करेगी और गुड्स दे देगी दे आपको ना अच्छा, है ना बेटा अच्छा ऊपर से डिलीवरी कर देंगे बेटा है ना गुड्स की हेलीकॉप्टर के थ्रू बेटा पैराशूट के थ्रू बेटा है ना वेरी गुड बेटा सर ड्रॉन के थ्रू बेटा वेरी गुड आप ये चीजें अगर इमेजिन करते हो तकलीफ नहीं इससे ज्यादा कुछ इमेजिन मत करना बेटा आप, ठीक है सरकार कोई भी गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो सरकार उस पर लगता है क्या कस्टम्स ड्यूटी क्या लगता है मालिक तो उसका कस्टम्स क्लियरेंस कराना पड़ता है कहां से कस्टम क्लियरेंस होगा बेटा कस्टम पोर्ट से कहां से होगा बेटा कस्टम पोर्ट से एयरपोर्ट से या तो लैंड कस्टम स्टेशन बनाया क्लियर सर साउथ की भी, बेटा भी होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते बेटा ऐसे ही लैंड कस्टम स्टेशन भी होते बाय रोड अगर आ रहा है तो बेटा ट्रेन से भी घुट है बेटा जैसे पाकिस्तान से ट्रेन आती है बेटा याद आई बेटा मुन्नी बेटा, क्लियर सर वो गुड्स वाली ट्रेन में आगे थे बेटा गलती से यार क्लियर तो बाय रोड भी गुड्स आता है बेटा <clears throat> उसके लिए भी लैंड कस्टम स्टेशन बनाए होते हैं जहां से कस्टम क्लीयरेंस होता है बच्चों क्लियर तो लैंड कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट जो होते हैं बेटा जहां से कस्टम क्लीयरेंस पहले कराना पड़ेगा वहां कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके बाद गुड्स क्लियर होगी डोमेस्टिक मार्केट में आएगी बच्चों है हाँ ना भाई तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर बच्चों क्या बोला मालिक कस्टम लगता है बेटा अब सोचो फॉर एग्जाम्पल ये माउस दिख रहा है आपको बेटा इस माउस की बात कर रहा हूं अब सर मान लो डोमेस्टिक मार्केट में इस माउस को मैं आपको बेचता हूं बेटा तो क्या लगेगा जीएसटी और यही माउस अगर मैं आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करता हूं और उस पर अगर जीएसटी नहीं लगा उसपे अगर जीएसटी सस्ता हो जाएगा ना यार इसलिए टू इक्वलाइज़ द इंपोर्टेड गुड्स इन रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक गुड्स कस्टम के साथ में आई जीएसटी भी लगता है क्या लगता है बेटा कस्टम लग रहा है वो एक अलग चीज है बेटा

जब गुड्स का असेसमेंट होता है गुड्स का टैक्स निकलता है वहीं पर कस्टम के साथ में एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगा होता होता है है जिसका नाम आईजीएसटी वो भी आपको वही पे करके फिर निकलना होता है बेटा हाँ ना भाई क्लियर तो ये सेक्शन सेक्शन नंबर सब जो है आपका लेवी वाला सेक्शन उसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है बेटा ये बात क्या लिखा है बेटा कि सर और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या लिखा मालिक <coughs> और न इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अलोंग विद कस्टम ड्यूटी और, हाँ और कस्टम करते हो उसी के साथ पे करना होता है अलग से कुछ सिस्टम नहीं है इसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम का सिस्टम चलेगा कैसे चलेगा बेटा और कस्टम के सिस्टम में ही आई जी एस टी को एड कर दिया बेटा ठीक है मालिक पक्का अच्छा सर पता है आपने कभी जुआ खेला जुआ सर वो साल तो खेल रहे सर यहाँ एकतम तो अकेडमी में पैसा जो दिया है वो जुआ ही तो है सर देखते है जीवन में क्या होता है सर नहीं लॉटरी अरे लॉटरी टिकट तो खरीदा होगा आपने अच्छा आपने वो ऑनलाइन गेमिंग तो खेला होगा मनी गिविंग रम्मी ड्रीम इलेवेन सट्टा लगा आईपीएल पे बेटा नहीं अच्छा वो सर महादेव ए नाम सुना आपने बेटा सट्टा सट्टा खेलते बेटा नहीं जिस दिन मेरी क्लास से इनकम ज्यादा नहीं होती सट्टा खेलता हूं बेटा दारू के साथ बेटा मैं, पर ना जंगली रम्मी वगैरह आपने एप्लीकेशन सुना होगा तीन पत्ती क्या बोलते उसको जंगली रमी पर आओ महाराज <laughs> सरकार तो जो महाराज वहां आए उनको सही में महाराज बना दिया गया बेटा वहां अब मान लो अच्छा एक बात और इनपे भी जीएसटी लगता है बेटा इनपे भी जीएसटी लगता है इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या बोलते हैं सर इसको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स और जीएसटी के परपस के लिए इनको गुड्स माना जाता है क्या मानते हैं बेटा इसको गुड्स गुड्स की डेफिनेशन हम में बात करेंगे उस गुड्स की डेफिनेशन में ये सब भी आते हैं तो सर मान लो वो जंगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाइल्ड WildRami.com, रमी डॉट कॉम सर तू जो सोच रहा है वो वाली वाइल्ड नहीं बेटा है ना रमी रमी मतलब मैं कह रहा हूं ना फालतू तो की पंचायती करो ऐसी एनर्जी आती बेटा यहाँ पे ये, ये देखो अब सरकार मान लो जंगली रमी ये वेबसाइट मान लो आउट ऑफ इंडिया वाले की बेटा Clear? अब आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप जुआ खेल रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो बेटा क्लियर तो उसको पैसा दिया होगा बेटा आपने तो एक तरह से वाला गुड्स बेच रहा है इंडिया के अंदर बच्चे आप समझे मेरी बात को सर तो ये भी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ यार ये भी तो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स आ नहीं रहा है बेटा पर उसको गुड्स माना गया जीएसटी के अंदर बेटा क्लियर

इम्पोर्ट ऑफ एक्शनेबल सर ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आईजीसी क्या लगेगा बेटा आईजीसी लगेगा कस्टर नहीं लगता बेटा या था क्लियर बच्चों आपको क्लियर डन ये सेक्शन फाइव भी खत्म होता है अब

सर यार एक चीज बताओ मुझे आप पूछू मैं आपसे बेटा जीएसटी कब लगता है यार ये देख भाई स्टेट सप्लाई पर सी जीएसटी और एस जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप हो बेटा तो सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी पर इंटर स्टेट सप्लाई क्या तो मतलब स्टेट सप्लाई हो तो क्या लगेगा

ये सप्लाई क्या होता है इसको डिफाइन किया है बहुत ही शिद्दत से बहुत ही प्यार से बहुत ही मोहब्बत से बहुत ही केयरफुली अंडर सेक्शन नंबर सेवन ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन नंबर सेवन ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया एंड सर ट्रस्ट मी ये वो डेफिनेशन है जिसको इतना ध्यान से गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है क्योंकि सोचिए आप अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर कोई सप्लाई के स्कोप से ही बाहर निकल जाए या सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आ रहा तो जीएसटी लेवी नहीं होगा बेटा भाई जीएसटी लेवी कब होता है अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई में ही नहीं आ रहा है तो, तो सर लेवी नहीं होगा एंड लेवी नहीं होगा तो लाइब्रेडी नहीं आएगी लाइब्रेडी नहीं आएगी तो पेमेंट की बात तो आती नहीं है और सर पेमेंट की बात नहीं आती मतलब कलेक्शन की बात तो आएगी ही नहीं सर हाँ ना सर

सर आपका एक एक पॉइंट ऐसा विजन में फिट होना चाहिए सर चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट होनी चाहिए बच्चों ठीक है मालिक और देखो अल्टीमेट मैं आपको यह बताना नहीं, नहीं है कि देखो मेरे को कितना आता है मेरे को यह बताना है कि देखो आपको कितना आ गया है बच्चा क्लियर दैट इज वॉट इज कॉल्ड कोचिंग और क्या है यार ये तो अल्टीमेट एम है हमारा सर ठीक है तो आपको चीजें कनेक्ट होनी चाहिए कहीं कोई डाउट आए आप प्लीज़ लेट बी नो बेटा वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज इतना ओवरऑल सफाई से हम बात करें कि सर डाउट आने की बात ही नहीं आएगी बेटा आपको ओके बच्चों क्लियर वो मैं वैसे भी कवर कर लेता हूं अपने बीच में ओके okay, तो सर द टर्म सप्लाई द टर्म सप्लाई डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन पढ़े क्या बेटा इसको ओके सर सेक्शन नंबर सेवन ये कहता है मालिक अच्छा राइटिंग समझ में आती हूं मैं पक्का ना बेटा अच्छा दर्शन सर की समझ में आती मतलब आपकी तो आई जाएगी ऐसा दर्शन सर डॉक्टरी कर रहे बेटा धीरे धीरे सर सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई अब सुनो 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 रे एक मिनट एक मिनट ओ मालिक दो मिनट लिए लिखना छोड़िए सर इधर ए भाई 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 दो मिनट कुछ बात करनी है आपसे सर बोलू सर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन कहता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी या भी फ्लो में बोलने के लिए एबीसी बोल दो सर ठीक है सर सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट सरकार 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 मस्त बात करते ना समझे अपन हाँ लेंगे सर सेक्शन नंबर सेवन है क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सी इसका मतलब क्या है बस इतना सा इतना सा मैंने बताया है इसका मीनिंग क्या है मुझे तो ये बता दो सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी मतलब सप्लाई में ए बी और सी आता है क्या ये ही आता है या ये भी आता है ओनली या ऑल्सो श्योर sure. पका माहौल शानदार क्या लिखा है सप्लाई अगर यहां पे लिखा होता क्या सप्लाई बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही बढ़िया यू आर इन करेक्ट हैंड्स माहौल सर सप्लाई मीन्स अगर लिखा होता तो मतलब क्या होता सर यार बताओ तुम ही हो माई लाइफ मींस यू तुम ही हो माय लाइफ इंक्लूड यू छपा तुम भी हो <laughs> है हाँ ना क्लियर <laughs> सप्लाई थोड़ा नोटोरिया से बेटा ये बोलता तुम भी हो सप्लाई इंक्लूड्स मींस नहीं लिखा बेटा दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन सर सप्लाई इंक्लूड्स लिखा है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये एग्जोस्टिव डेफिनेशन नहीं है एंड गवर्नमेंट इज सो स्मार्ट मैंने आपको बोला है सर कि जीएसटी लॉ नया, नया नया बनाए और अगर एक ट्रांजेक्शन भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकल गया तो सर उस पर जीएसटी नहीं लिख पाएगा बेटा क्यों लेवी के स्कोप से बाहर निकल जा रहा है मालिक हाँ ना सरकार इसलिए इसलिए उन्होंने एक एक वर्ड लिखते वक्त ध्यान रखा कि सर या मींस लिखू कि इंक्लूड्स लिखू यहां क्या लिखा सप्लाई इंक्लूड्स तुम भी हो और इसमें अगर कुछ कवर नहीं तो वो भी है वैसे मैं बता देता हूं आपको ये ए डबल ए बी और सी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं सब बट फिर भी तुम भी हो इसको ओपन रखा बेटा शादी करते वक्त ही बात कर ली सर कि तुम भी हो एक्ट पास करते वक्त बोल दो साहब माई लाइफ इंक्लूड्स यू हा है ना भाई समझे मेरी बात पक्का समझे तो सर क्लोज नंबर ए शुरू करेंगे बेटा हम पक्का बच्चों सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी okay? ओके ए बी सी नहीं बोला मैंने ठीक है ठीक है सर अरे आप जो बोलते हो मेरे को समझ में आया था बेटा पर उस टाइम रिएक्ट करना जरूरी नहीं था बेटा सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए मालिक यह लिख रहा बेटा रहा। एक बार वापस करो ना ये <coughs> अच्छा लग रहा है अभी सर सर <laughs> ओके 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 आप कुछ ना बेटा बस और कुछ नहीं चाहिए सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए सुनाई दे रहा है मुझे बेरा नहीं हूं मैं सर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन क्लोज नंबर ए कहता है क्या सप्लाई इंक्लूड प्लीज सर प्लीज सर 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 सेक्शन नंबर सेवन ही ऊपर लिख दिया क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल सर लिख रहा हूं लिख रहा हूं तो मिट सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ बोथ गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू वी मेड पर्सन फॉर अ तो so, वो supply है रात को दो तीन घंटे लगे याद करने में बेटा सर अरे सर मेरा पहला प्यार यही है सर क्या बताऊं मेरी वाइफ के सामने बोल नहीं सकता ये बात ओके सर सप्लाई उसको बोलना पड़ता माय लाइफ मीन्स यू बेटा पर एक्चुअली कुछ और सर माय अस्सी तो मेरी जीएसटी है यार सर यूट्यूब पे भी ये यहां पे जो भी बोल रहा हूं सब काल्पनिक है वास्तविकता से सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू यू मेड थैंक यू सो मच काका थैंक यू सो मच ये बहुत ठंडा पानी ओके ठीक सर व्हेन सच सप्लाइज आर मेड और अग्री टू बी मेड अ पर्सन वेन सच अप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू मेड बाय अर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन दर्स फॉर फर्दर एस ऑफ वेज बिजनेस ओके लिख लो अगर लिखना है तो फिर ऑपरेशन करेंगे कि वर्ड का <coughs>

वो यहाँ ऐसा छापूंगा सर मजा आ जाएगा सर आपको गारंटी सर क्योंकि मैं याद करूँगा नहीं याद हो जाएगा सर क्योंकि एक एक वर्ड की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी सर अभी सप्लाई इंक्लूड से की सप्लाई मीन से भूल सकते हो आप बेटा कभी भूल सकते हो कभी आप नहीं बस मैं वो कहना चाह रहा हूँ सर आपको ओके बच्चो ध्यान देना ओके ध्यान ड्रॉप द पेन प्लीज सर सरकार बाद में लिखना बेटा ध्यान मैं हूं ना अभी तो यार सर सप्लाई इंक्लूड्स सर सर नहीं, नहीं अरे अरे यार मालिक ध्यान मेरी तरफ ध्यान तरफ आप किसी और को देखते हो मैं बहुत अच्छा लगता है बेटा सर मान लो आई फील जेलेस सर चलिए चलिए सप्लाई इंक्लूड्स ध्यान इधर बेटा सर सर सर

सर एक-एक को समझते बेटा है हाँ ना सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ठीक 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 सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल चलिए अब एक एक वर्ड को समझे बेटा हम सर, मैंने क्या बनाया बेटा मार्कर्स, ब्रांड नेम, मंगल्स, डाकू मंगल अब लूटने में कोई दिक्कत नहीं बेटा सर अब मैं लूट सकता हूं सर क्या सर प्यार सर सुनना बात <clears throat> सरकार 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 सेल ये मार्कर मैंने आपको रुपीज टेन थाउजेंड में सेल कर दिया हाँ है ना भाई <laughs> अरे कितने में बेटा दस हजार में सर ये मार्केट मैंने आपको दस हजार में बेच दिया। सेल और क्या है? हाँ है ना भाई सेल कर दिया एक्सचेंज सर लाइफ में कुछ चीज एक्सचेंज नहीं हो पाती बेटा पर अगर आपने कोई गुड्स की बात करो बेटा में या सर्विसेज की वो अगर आपने एक्सचेंज करी वो भी सप्लाई है बेटा एग्जाम्पल जैसे आप मोबाइल फोन खरीदने गए बेटा। आप जो सोच रहे थे ना, का बेटा। आप कोई भी स्मार्टफोन लाइए एक्सचेंज में आपको नया फोन मिल जाएगा कितना ऐसा कुछ ऑफर होता ना कई बार यार पुरानी टीवी दो नई टीवी लो टीवी की बात कर हाँ भाई <laughs> तो सर एक्सचेंज होता ना मालिक क्लियर वो भी सप्लाई है तो शोरूम वाला जो ये टीवी मान लो ओल्ड टीवी एक्सचेंज कर रहा है बेटा वो वो भी सप्लाई में आता है बच्चों ओके okay बच्चो क्लियर सर बाटर प्योर एक्सचेंज इज कोल्ड बाटर जैसे मैंने क्या बोला एक्सचेंज में क्या एग्जाम्पल दिया बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड का गुट से पुराना फोन दीजिए नया फोन ले जाइए थर्टी फाइव थाउजेंड बेटा वो तो हो गया एक्सचेंज और प्योर एक्सचेंज अगर है बस इसके में ये मिल रहा है वो होता है बाटर जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया दोनों बर्बाद बेटा <laughs> सर <laughs> <laughs> रहा है ना अबे हा कौन बोला तो सर दिस इज कॉल्ड बार्टर अरे क्लियर मालिक सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया दिस इज वॉट इज कॉल्ड बार्टर क्लियर ये भी सप्लाई सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स मैंने अपने बिजनेस के असेट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए या मेरी एक और ब्रांच थी कहां दिल्ली में वहां मैंने इसको ब्रांच ट्रांसफर कर दिया स्टॉक ट्रांसफर कर दिया वो भी क्या है सप्लाई क्लियर अच्छा देखो बेटा एक बात और है ना ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये तो केवल इन वर्ड्स को समझा रहा हूं बच्चों इन वर्ड्स समझा रहा हूं ये सब भी आगे पूरे होंगे ना बेटा तब, तब जाकर सप्लाई होगा बेटा

होता ना गुड्स को मैंने लीज पे लिया मशीन को लीज पे लिया बेटा क्लियर वो सब भी क्या है सप्लाई है लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस लिया मैंने बेटा जैसे लेक्चर होते हमारे उसका लाइसेंस मैंने लिया है क्लियर ये क्या है सप्लाई रेंटल ये प्रीमैसेज रेंट पे ले रखा है बेटा कोई गुड्स अपने रेंट पे लिए कोई मशीन अपने रेंट पे लिए बेटा क्लियर वो भी क्या है सप्लाई है क्योंकि केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुआ सर्विस टैक्स मर्ज हुआ बेचा हाँ है ना भाई क्लियर तो सर रेंटल और जैसे सेल ऑफ सर्विस भी होता है बेटा हम कोचिंग सर्विस आपको सेल कर रहे हैं बच्चों है बच्चो। है हाँ ना भाई वो भी सर्विस क्लियर और डिस्पोजल मैंने अपने बिजनेस के सारे सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए नए ले आए बेटा है हाँ ना सर क्लियर? जैसे आपका बेट शुरू होने से पहले सर इसमें से छह ए सी रिप्लेस कराया हमने सर है हाँ ना बेटा और जो पुराना एसी तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिए क्लियर तो जो डिस्पोज ऑफ किया वो भी क्या है सप्लाई है मालिक बिजनेस के एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों क्लियर वो भी क्या है सप्लाई अरे क्लियर सर, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर, लीज़, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ यहां तक समझना है बच्चों आपको क्लियर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स हो या सर्विसेज हो यह दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा क्लियर सर अगर आपने सप्लाई किया तो जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा जीएसटी लग जाएगा बेटा अच्छा गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में अभी नहीं बता रहा आपको बेटा ठीक है बुक में दे रखी मैंने आपको अच्छे से पर आपको अभी नहीं पढ़ना है अच्छा मैं बुक से ही बता दूंगा आपको मैं क्या क्या पढ़ा रहा एट दी एंड मैंने क्या क्या पढ़ा दिया ये आपको बताऊंगा लास्ट में ओके okay? क्लियर ध्यानंदर बच्चों सरकार अच्छा ये समझ में आ रहा बेटा ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको या बुक ओपन करके बताऊँ देखो ये लिखा है देखो बच्चे ऐसा समझ में आ रहा बेटा आपको ये ठीक सर गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाइज आर मेड और अग्री टू यू मेड सप्लाइज मेड और अग्री टू यू मेड मैंने सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई है ही है मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया वो भी सप्लाई है। मैंने प्यार किया मैं प्यार करने के लिए एग्री कर दिया दोनों क्या है सर सप्लाय है हाँ ना भाई एग्रीड अगर आपने एग्री कर लिया तो भी क्या है सप्लाई दो मिनट विजुलाइज घर जाके करना बेटा आराम से सप्लाई मेड और अग्रीड मतलब सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया तो भी सप्लाई हो गया जीएसटी पे करो सप्लाई बाद में करना एग्री करना पहले जीएसटी पे करो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ बेटा सर अगर मैंने आपसे कोई एडवांस पेमेंट ले लिया क्या ले, ले मालिक <coughs> जैसे कोचिंग सर्विस के लिए हमने से ने आपसे एडवांस फी ले लिया बेटा सर्विस सप्लाई करने से पहले ही आपने एडमिशन ले लिया बेटा और हाया ना एक एक महीने पहले आपने एडमिशन ले लिया बच्चों फीस पे कर दिया क्लियर मंगल ने एग्री किया एकेडमी एक ने एग्री किया कि हम सप्लाई करेंगे है हाँ ना और जिस महीने में आपने हमको फी पे किया था एडवांस पे किया था उस महीने में हमने टैक्स की थी, आज हुई लिए. आपने तीन महीने पहले एडमिशन लिया जीएसटी पे कर दिया बेटा ऑलरेडी क्लियर गवर्नमेंट ने क्या लिखा बेटा अग्रीड टू वी मेड यहां सवाल मैं बेटा आपको डिटेल बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और बात करूंगा इसको लिंक कर दूंगा दिमाग खराब क्लियर ऐसा लिंक करूंगा दिमाग खराब बेटा रहा है ना भाई सर एक एक वर्ड का ऐसा ऑपरेशन होगा कहाँ से आया क्यों आया और कैसे लिखा है उसको ठीक है सब कुछ समझ में आएगा बस ध्यान इधर रखना बेटा when supplies are made or agreed to be made यहां तक क्लियर है बेटा आपको बायो पर्सन बायो पर्सन पता है द टर्म पर्सन द टर्म पर्सन इंक्लूड्स मींस नहीं पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एच यूएफ एओ पी बीओ आई क्या बोला आपने आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हा पार्टनरशिप फर्म एल एल पी पता है कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी ये सब भी कवर है सर पर्सन <coughs> की डेफिनेशन और ऊपर क्या लिखा बेटा इंक्लूड्स एक भी पर्सन नहीं छोड़ा बेटा इसके अंदर क्यों अगर वो सप्लाई के से निकल गया तो तो जीएसटी फ्री हो गया बेटा हाँ है ना वो यहाँ लिख के घूमेगा क्या मैं तो जीएसटी फ्री हूं बेटा अबे हो अरे हा है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात इसलिए पर्सन इंक्लूड्स ऑल दिस एवरीबडी बेटा इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अगर कोई गुड्स या सर्विस बेची तो भी लगेगा जीएसटी बेटा समझे मेरी बात भले ही जल, भले ही वो जन कल्याण के लिए हो बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में वी डोंट केयर हाँ आगे जाके बात करेंगे अगर किसी को एग्जाम किया होगा तो बात करेंगे सर आगे जाके हाँ ना भाई सर बाकी टेक्स्ट के कवरेज में सब कुछ आ गया बच्चों ओके बेटा क्लियर पक्का मालिक ठीक सर सर When such supplies are made, made made or agreed to be made by a a, a, person for a... <laughs> supplies made for a... <laughs> अरे आवाज you mean by consideration? Something in return. मैंने तेरे लिए क्या, तूने मेरे लिए क्या किया अगर उसने भी तेरे लिए कुछ किया इसलिए तूने वो किया था तो ऐसे केस में वो प्यार नहीं हो सप्लाई लगेगा जीएसटी <laughs> सर समझा मेरी बात देना लेना है तो सप्लाई है क्लियर निस्वार्थ भाव से किया तो सर ऐसे कैसे सप्लाई नहीं है अभी बात करते धीरे धीरे कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न विच मे बी इन मनी मे नॉट बी इन मनी कंसिडरेशन में इन मनी में बीन काइंड हाँ सही समझ सही समय पे सही समझ रहे बेटा वेरी गुड रिटर्न फाइल करता ना बेटा घर जाके सर सप्लाइज मेड फॉर अ कंसिडरेशन कंसिडरेशन के लिए काम किया ध्यान दर ध्यान दर ध्यान अभी मजा आएगा कंसिडरेशन के लिए प्लीज सर हो सकता है एक ही वर्ड को मैं चार बार बोलवाऊँ उसे बेटा बोलना है क्लियर और हंसते हंसते ऐसे कौन से पढ़ाऊंगा सर मजा आएगा सर आपको ओके सर देखो हंसी मजाक अपनी जगह है सर बट सर चीज के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ लेवल तक भी ले आना बहुत जरूरी सर ठीक है और वो हंसते हंसते ले जाऊंगा मेरी गारंटी सर आपसे ध्यान धरना सर सप्लाई मेड फॉर अभी पंद्रह बीस मिनट बात चलेगी सर इस पे एक वर्ड पे सप्लाई मेड फॉर अ कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है वरना सप्लाई नहीं प्लीज सर आई नीड दिस वर्ड टू बी रिपीटेड ओके सर मोबाइल साइड में सर सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसीडरेशन, सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसीडरेशन के लिए काम किया मेरी भावनाओं को समझना बेटा इन वर्ड्स को समझना इन वर्ड्स को तीन बार चार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कोई बात होगी सर ठीक है पहले यहां तक उतारो जय हिंद तक फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे सप्लाई इज मेड फॉर a... अ Consideration के लिए काम किया तो सप्लाई है consideration के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है तो सर फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर एज अ सप्लाई इट शुड बी फॉर अ अंसिडरेशन के लिए काम किया दिल से पूछना क्या कंसिडरेशन के लिए काम किया अगर हाँ तो सप्लाई है अगर ना सप्लाई नहीं है आपने हमको फीस दिया ना इसलिए हमने पढ़ाया ना सर भले अच्छा पढ़ा है बेकार पढ़ा है पढ़ाने के लिए फीस दिया ना सर आपने हमने पढ़ाने हमने फीस के लिए पढ़ाया ना सर आपको सप्लाई बात खत्म तो बेटा जीएसटी लगेगा पर नीचे रोड पे आपसे किसने पूछा कि माहौल कौन बनाता रहे क्लियर और आपने उसको फ्री की एडवाइस बांट दी कोई कंसिडरेशन के लिए काम किया था बेटा आपने किससे पूछा या किसने आपसे पूछा शिवाजी नगर का रास्ता किधर है आपने उसको बता दिया कि नाक के सीध में चला जा नाक के सीध में चला जा, जा जा जाएगा वो बस सर सुनना बात से समझ में आया कुछ की नहीं आया नहीं आया बेटा कोई बात सरकार क्या कुछ कुछ चीजें आप भी मुझे पढ़ाओगे बेटा एंड देरेशन हा भाई सुना एक मिनट मिनटेरी मान लो आपसे किसने नीचे पूछा कि शिवाजी नगर का रास्ता किधर है आपने उसको बता दिया कि ये रास्ता है यहाँ चला जाने का क्या उस पर जीएस लगेगा नहीं। क्या उस पर जीएस लगेगा नहीं। उसने कुछ पूछा आपने एडवाइस दी बेटा बट दैट वॉज नॉट फॉर अ कोई सप्लाई नहीं है सोचो अगर फॉर अ कंसिडरेशन नहीं होता तो तो सर दो दोस्तों का आपस में बात करना बंद हो जाता है हाँ है ना वो पूछता आपसे कोई दोस्त यार मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कहा ऐसा कहा उसका मतलब क्या है मैं नहीं बताऊंगा वरना जीएसटी लग जाएगा हाँ ना भाई सप्लाई शुड बी फॉर धीरे 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 चढ़ती बेटा, सप्लाई शुड बी फॉर कंसीडरेशन के लिए काम किया भगवान के मंदिर के और हाथ जोड़ के बोला भगवान इस बार तो पास करा देना ये सौ रुपए क्या, पे किया, क्या? क्या? क्या फीस पे किया है आवाज़ नहीं आ रही क्या भगवान ने फीस लिया है कि पैसा दे पास हो जाएगा ऐसा क्या जीएसटी लगेगा आवाज नहीं आ रही हुई नो no, जीएसटी विल बी चार्ज और ऐसे केस में कोई फीस नहीं पे क्या आपने बेटा कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेटा कोई हॉस्पिटल है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटा वहां आपने डोनेशन दिया वहाँ आपने डोनेशन दिया क्या, है? क्या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई सर्विस दी जिसकी वजह से उसने कोई फी चार्ज किया आपसे आवाज ढंग से नहीं आ रही सर नहीं। क्या जीएस लगेगा उस पर सर सर मान लो आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया और सर उसने होता ना कई बार मंदिर वगैरह देखना आप सर कहीं पे वॉल पे या कहीं भी लिखते हैं कि मेमोरीज ऑफ लेट क्या नाम सर आ, 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 मतलब अरे आपने किसका नाम देखा मैं वो रहा। सर आप क्या बात कर हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं सर सरकार मैं नहीं मारता बेटा सर पॉइंट ये है कि मान लो सर वहां लिखा है कि रुपीज वन लेक रिसीव फ्रॉम पर्सन वी आर थैंकफुल टू देम टू शो देयर ग्रेटिट्यूड उन्होंने लिखा है क्या आपकी पब्लिसिटी करी वहां बेटा क्या उस पब्लिसिटी के लिए आपने पैसा दिया है बेटा सर तो ऐसे केस में वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई पब्लिसिटी की सर्विसेज नहीं दिए मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दिए उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हा है ना भाई पर मान लो हमारा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर एक मंदिर है कोई एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हम बेटा, वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, जहां लाखों लोग आएंगे और सर आपने मुझे अप्रोच किया मंगल दस लाख रुपए दूंगा यहां पे बस लिखवा दे क्या बेस्ट क्लासेस फॉर सी ए कोचिंग ब्ला बी एक तो जरूरत नहीं बेटा आपको पता है ना सर <laughs> पॉइंट आपसे ये अब मुझे बताओ उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एग्री कर लिया किटी के हम लिखवा देंगे बदले में दस लाख रुपए देना पड़ेगा अब मुझे बताओ सप्लाई है कि नहीं सर आवाज रही जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर क्यों कुछ करने के लिए फीस लिया है क्लियर मार्केटिंग सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बच्चों हा है ना भाई सर चैरिटी पुण्य का काम पुण्य के लिए किया है तो तो सर जीएसटी नहीं लगेगा पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया है तो जीएसटी लगेगा अब सर भले ही मैं वहां लिख दू क्या अ डोनेशन ऑफ रुपीज टेन लैक इज रिस अकेडमी क्या वो डोनेशन है क्या

जस्ट टू शो देर ग्रेटिट्यूड वो किसी ऑप्लिकेशन नहीं थे कि नहीं नाम लिखना ही पड़ेगा तो ऐसे किसमें नहीं है अब भले वहां पर कुछ भी नाम लिख दो वो डोनेशन है फीस के लिए काम नहीं किया उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ ये ना यस ए नो पक्का डन सर चलिए सर एक मस्त एग्जाम्पल देते मस्त लिख दोपल माहौल वाला सर चलिए सर प्रतापगढ़ क्या नाम सर हर्ष यस प्लीज सरकार चलेगा चलिए सर मजा आएगा इसको जीवन में देखिए सर हर्ष भाई हर्ष भाई बोलिए एक बार सब है ठीक है अब पढ़ाई भी ध्यान देना बेटा ओके सर हर्ष अच्छा समझ हर्ष ठीक है बेटा अब पढ़ाई भी ध्यान देना बेटा भाइयों के भाई, भाई। हर्ष भाई।, भाई अब सर हर्ष भाई राजस्थान प्रतापगढ़ से सर हमारे उदयपुर के पास है सर सर वहां से ये पढ़ाई करने आए बेटा सी ए करने आए बेटा इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस बेटा मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस सुनना अब सर बच्चा सी कर रहा है बेटा। जितना बड़ा बिजनेस होता है जितनी बड़ी फैक्ट्री जितना बड़ा कारोबार होता है साहब उतनी ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है उतनी ज्यादा टेंशन भी होती है बेटा हाँ ना मालिक सर पापा का बिजनेस जबरदस्त स्पीड से चल रहा है सर शानदार सर बच्चा सी कर रहा है सर मान लो सी फाइनल में सर हाँ ना सर सी ए आर्टिकल आर्टिकलशिप कर रहा है और जबरदस्त काम हो रहा है सर माहौल चल रहा है एकदम अब सर जैसे जैसे पापा का बिजनेस बढ़ने लगा वैसे वैसे पापा की टेंशन और बढ़ने लगी साहब पापा बड़ी टेंशन में रहने लगे सर अब रोज पापा ऑफिस जाते ये इधर कोचिंग का था वो टेंशन में जाते ये माहौल के साथ आता बेटा देख से देखा नहीं गया इसने पापा को बोला पापा आखिर क्या टेंशन है आपके बिजनेस में मुझे बताओ। पापा बोला क्या बेटा वापस बोलना एक बार इंग्लिश में मतलब वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं और कल का छोरा। मुझे बताएगा बिजनेस कैसे करना है पापा ने बोला दिमाग खराब मत कर सीए पे ध्यान लगा <coughs> बाप को मत सिखा, ये मैं नहीं बोल सकता बेटा। सर, तो पापा ने इसकी बात सुनी नहीं। इसने बोला पापा आपको नहीं पता आपका बिजनेस बहुत छोटा है मैं बड़ी बड़ी कंसर्न की आर्टिकलशिप में ऑडिट करता हूं आपको क्या पता पापा तो बोला दिमाग खराब कर पड़ेगा और सीए पे दिमाग लगा वहां कोचिंग ढंग से पढ़ और अच्छे से पास हो फिर बात करेंगे पापा ने अल्टीमेटली काउंट किया ही नहीं सर इसको घिना ही नहीं और निकल गए बिजनेस के लिए बेटा और साहब इसका भी दिमाग खराब एंड सर हा वो एनिमल वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड देखिए आपने बहुत भारी दिमाग खराब बेटा सरकार सर सर सर, सर, अब मालिक, सर, और इसकी भी जुनून चढ़ गया एनिमल की तरह बेटा, और इसने बोला और किसी को दिखाना है कि नहीं दिखाना है इनको जरूर सीए करके दिखाना है और इन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि मैं भी सीए करके बताता हूँ फिर देखता हूं कैसे बोलते हैं मेरे को फिर मेरी हर बात इनको सुननी पड़ेगी और बच्चा दिन रात लग गया सही डायरेक्शन पे लग गया एक आ गया, सही गया। और देखते ही देखते देखते ही देखते जब एग्जाम्स आए और रिजल्ट आया और हर्ष सीए हर्ष हो गए हर्ष सीए हर्ष बन गए अरे पार्टी जस्ट माहौल मैं दूंगा सर आपको टेंशन मत लो आप और सरकार आप सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया रैंक सीए फाइनल माहौल एकदम जबरदस्त शानदार एंड सर सीए हर्ष पापा भी बोले मेरा बेटा सीए चार पांच दिन खूब जश्न बना माहौल जबरदस्त शानदार फिर ये होश में आया और सर फिर पापा से बोला पापा अब मुझे बताओ आपके बिजनेस की क्या टेंशन समस्या क्या है समाधान हम देंगे बोला जॉब लगी चल दिमाग मत कर क्या आपने क्या बोला था बाप को क्या बोला था हाँ सीए है ठीक है क्लियर है सर कोई लोड नहीं सीए होगा तो होगा डोंट केयर तू सीए में सीए का बाप अगर आपको ये फीलिंग आपके पापा को दिलवानी ना बेटा पूरी मेहनत सर सर दिस इज द राइट टाइम क्लियर देन देना, जिस दिन एग्जाम के रिजल्ट आएंगे उस दिन आप किसी को प्रूव नहीं करोगे बेटा क्लियर रोज आप प्रूव कर रहे हो देन दैन मैंने बताया था आपको आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सीए नहीं बनोगे क्लियर आप रोज सीए बन रहे हो अगर आपके पेरेंट्स को अगर आपके पापा को आपको ये फील कराना कि मैं का बाप हूं क्लियर तो सर मेहनत कर देना पूरी आप मजे मस्ती करो कोई तकलीफ नहीं पर राइट डायरेक्शन में सर तो सरकार पापा ने बोल दिया वी डोंट केयर तू तेरी जॉब पे ध्यान लगा जॉब ढूंढ सीए बन गया आई डोंट केयर मेरा बिजनेस मेरी प्रॉब्लम मेरी समस्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा पापा ने मतलब सीए बनने के बाद भी इसकी बात नहीं सुनी साहब पापा का बिजनेस और बढ़ता जा रहा पापा की टेंशन और बढ़ती जा रही एक दिन इससे रहा नहीं गया इसने बड़ा इमोशनल हो गया एनिमल मूवी की तरह इमोशनल हो गया पापा को बोलिया पापा और पापा नहीं मैं आपको पैसे नहीं देख सकता पापा आपको अपने बिजनेस की टेंशन बतानी पड़ेगी मैं सोल्यूशन दूंगा आपको कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं, नहीं देख सकता पापा ने बोला भैया बच्चा हाथ से निकला पापा ने बोला बैठ बैठ बेट, नहीं बैठूंगा ठीक है खड़ा रहे बस कोई बात नहीं अब साहब पापा ने इसको बिजनेस की प्रॉब्लम बताना चालू किया और साहब पापा ने बताया कि सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट है उनको बुलाया जिस दिन ऑर्डर दिया उसके दो दिन के अंदर माल आना चाहिए और ये ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हमने एडवांस पेमेंट करते थे माल आता नहीं जो क्वालिटी मांगा वो क्वालिटी आता नहीं है इधर लेबर को समझा लेबर मानते नहीं है इधर लेबर यूनियन का अलग झगड़ा चल रहा है इधर हमारे जो मैनेजर्स है उनका झगड़ा अलग चल रहा है उनको बोलते कुछ और करते कुछ और इधर हम जब सप्लाई करते हैं सप्लाई तो करते थे रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का इशू है रास्ते में पुलिस और गाड़ी पकड़ ली हमने माल डिलीवर भी कर दिया फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा आउट ऑफ सिलेबस <laughs> 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 नहीं नहीं इसने बोला पापा एक काम करो सप्लायर के साथ जो आपका एग्रीमेंट है उनमें ये टर्म्स चेंज करके ये वाली टर्म डालो

पापा ने बोला हो गया दन, चल निकल मतलब अब तो तू शांत शांत है है गुस्सा हो गया माहौल तेरा चल निकल फटाफट मेरे को भी लेट हो रहा है एक घंटा और लेट गया तूने क्लियर मतलब पापा ने इसकी बात अभी भी नहीं मानी अब साहब पापा इसने बोला ठीक है पापा ने बोला अपन ही भगवान तो अपन ही भगवान क्लियर अब साहब पापा का बिजनेस

वैसे भी लॉस में जा रहे हो <laughs> क्लियर <laughs> मेरे जैसे आप भी फ्री हो जाओगे सर अरे ना और एट द एंड पापा ने भी सोचा साहब ठीक है अच्छा पापा ने भी बहुत सारे कंसल्टेंट हायर किए बहुत सारे एडवाइजरी ली कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा एट द पापा मान गए और जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी अगले एक दो महीने पापा का पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई <laughs> पापा की बिजनेस की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई माहौल जबरदस्त शानदार हो गया एंड सर जो लॉस मेकिंग यूनिट थी वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट की तरफ बढ़ने लगी बहुत स्पीड से सर पापा भी खुश ये भी खुश और साहब पापा ने बोला मेरा बेटा सीए और पापा ने खुश होके इसको दस लाख रुपए दे दिए जा बेटा ऐश्कर मुझे पता है पिछले चार साल में तूने कुछ नहीं किया है साहब पार्टी बना तूने पढ़ाई करी खूब सर दस लाख रुपए दिए हाँ है ना भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये है इस दस लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये समझ नहीं पूरी आपको ये स्टोरी के लिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको अब से सर लास्ट में किसका मैसेज लिख रहे हो उठ गई क्या गुड मॉर्निंग <laughs> सोते तो पता रहता है कब उठते होकर चले जाते पता ही नहीं पड़ता है सर सुनना सुना सुना मेरा पॉइंट आपसे ये है कि बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा इस दस लाख पे जीएसटी लगेगा लगेगा सर सर इस दस लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर 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 प्लीज प्लीज ये सर दो मिनट का टाइम और चाहिए मेरे ये सर दस लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा आप मुझे बताओ इज इट सप्लाई और नॉट क्या आपने जो काम किया था आपने जो पापा को कंसल्टेंसी दी है आपने जो एडवाइस दी थी इज इट फॉर अ कंसिडरेशन वाज इट फॉर अ कंसिडरेशन नो आपने पापा की खुशी के लिए काम किया था आपने फीस के लिए काम नहीं किया था बेटा हाँ ना नॉट फॉर दस लाख रुपए जो आया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा दैट इज अ गिफ्ट ना भाई कोई जीएसटी नहीं लगेगा अब सर कहानी आगे कंटिन्यू होती है बच्चा बिल्कुल खुश अब सोचो जिंदगी में सीए बनने के बाद जिंदगी पहली एडवाइस वो भी पापा को और वो भी धमाकेदार क्या वैल्यू क्रिएट हो गई इसके माइंड में सर क्या वैल्यू क्रिएट होगी हो गई होगी इसके पापा के माइंड में सर हाँ ना भाई तो ये भी सोच रहा था सीए बनने के बाद क्या करे क्या करे क्या करे तो सर इसमें भी अच्छी लाइन मिल गई और सर इसने सोच लिया क्या मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाता हूँ साहब बिजनेस एडवाइजरी मेरी अच्छी होती है सर इम्प्लीमेंट करके देख लिया सर हाँ है ना भाई तो इसने भी अपना ऑफिस खोल दिया हर्ष द कंसल्टेंट जैसे था ना सिंबाद द सेलर ऐसे ही हर्ष द कंसल्टेंट सर ऐसा इसने ऑफिस खोल दिया बिजनेस कंसल्टेंसी का बेटा दो तीन दिन हुए फिर पापा आए ऑफिस में सुनना बात ध्यान से अब पापा उनकी फैक्ट्री के बारे में कुछ इससे पूछ रहे थे एडवाइस ले रहे थे जैसे ही पापा ने पूछना शुरू किया तो लैपटॉप ओपन किया और इसमें काम करना चालू कर दिया पापा की बात अर्जेंट काम होगा और और का, एक घंटा हो गया पापा ने बोला बिजी है क्या इसने बोला ठीक है बाद में पापा सब चले गए अच्छा नेक्स्ट डे वापस आए पापा जैसे आए वापस वही कहानी चालू पापा का ठीक है गजब बिजी साहब ये अच्छा घर पे रात को खाना साथ में खाते हैं पर वहां पे बिजनेस की बात नहीं करते ठीक है साहब अब दो तीन बार ऐसा हो गया पापा ऑफिस आए और लैपटॉप ओपन करके पता नहीं क्या काम करने लग गया पापा की बात सुनता ही नहीं इग्नोर कर रहा उनको मतलब ठीक है साहब अब साहब एक दिन पापा ने खाना खाते करते बोल दिया बच्चा बड़ा हो गया बहुत बिजी हो गया है ऐसे टोंट मारते ना पापा ने बोला ऐसी बात इसने बोला पापा ऐसी बात नहीं है आपके तो हमेशा बचा ही रहूंगा ना इसने पापा आपका बिजनेस बढ़िया है यार फैक्ट्री है जो गुड्स खरीदेगा पैसा देगा बात खत्म हमारे कौन सी फैक्ट्री है पैसा देगा बात खत्म हा ठीक है बस बात खत्म कर दी आगे कुछ बोला नहीं दूसरी बात करने चल चालू कर दिया फिर पापा रात को जब न्यूज देख रहे थे रात को सो रहे थे टीवी देखते देखते विचार आया बाद में सोचा कि यार मैं दो तीन दिन से इसके ऑफिस जा रहा हूँ इग्नोर कर रहा है और आज खाना खाते खाते बोलता है जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा बात खत्म दिमाग की बत्ती जली बच्चा क्या कहना चाह रहा है आ, पैसा लगेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा इसके ऑफिस में पहुंच गए क्यों रे हर्षु बाप से 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 फीस लेगा मेरे मेरे की बात कर रहा है तू फीस लेगा इसने मेरा पापा समझदार को इशारा ही काफी है मतलब तू मेरे से फीस लेगा हाँ पापा हाँ तू मेरे से क्यों पापा जब मैं सीए नहीं था आपने कितने सारे कंसल्टेंट हायर किए उन्होंने फ्री में काम किया नहीं आपने मेरे को उस टाइम काउंट किया नहीं मेरे को पैसा चाहिए तू मेरे से पैसा ले हाँ लेना है पैसा चाहिए मम्मी कहती देख पापा सीए नहीं फिर भी कितना कमा है तूने क्या कर लिया सीए बनने के बाद मेरे को पैसा चाहिए आई डोंट केयर क्लियर अब साहब पापा ठीक है ले लेना नहीं ले लेना ले लेना नहीं एग्रीमेंट पे साइन करो मुझे बचपन में कितनी बार बुलाया आपने कि खिलौने दिलाऊंगा 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 नहीं और मालिक इसने पापा से एग्रीमेंट साइन करा दिया पापा ने से पूछा फीस कितना इसने बोला साल का पचास लाख पचास पेटी बोला वो दिख नहीं रहा मेरे पचास लाख दिख रहे आपको क्लियर इसने ने बोला कुछ तो कम कर इसने पापा के ऑफिस एक बोर्ड था बेटा वो लाके अपने ऑफिस में लगाया हुआ था उस पर लिखा हुआ था राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक डिस्काउंट बना है मतलब जीवन में कभी भी ये बार्गेनिंग नहीं करेगा पापा के ऑफिस से लाया था वो बोर्ड बेटा <laughs> पापा समझ गए बार्गेनिंग की बात नहीं आएगी जीवन में कभी ना हो पाएगा बेटा पप्पू पास नहीं हुआ सर अब सरकार अल्टीमेटली पापा को भी पता कि एडवाइजरी तो इसी का आ सर पापा ने एग्रीमेंट साइन कर दिया और जैसे एग्रीमेंट साइन किया इसने जंगली रमी खेलना बंद किया लैपटॉप भी क्या करता जंगली रमी खेल था बेटा ये

मोबाइल एप्लीकेशन बेस ऐसा काम किया कि पापा को केवल कंट्रोलिंग के लिए देखना पड़ता है कहाँ पे क्या काम हो रहा है एक चेक के बाद दूसरा चेक लगा दिया कंट्रोलिंग इस तरह सेट करी माहौल पता शानदार एंड सर पापा भी खुश ये भी खुश सर तीन चार महीने बाद इसने अपने ऑफिस से किसी एक बंदे को भेजा पापा के ऑफिस में और बिल लेके भेज दिया फिफ्टी लेख प्लस जीएसटी पापा ऑफिस में न्यूज पढ़ रहे थे बंदा आया ऑफिस है अंकल मलयास अंकल वो हर्ष सर ने भेजा है बोलो बोलो ये बिल भेजा है क्या है ठीक रख चल वो चला आया इसे पूछा हर्ष ने पूछा ऑफिस में क्या हुआ बोला हाँ अंकल ने बोला रख चल मैं चला आया ठीक है मालिक सर और पचास लाख का बिल दे दिया हाँ है ना भाई ठीक है इसने बोला पेमेंट बोला अंकल ने बोला चल तो हम भी चलाएं बोले ठीक है कल जाना पेमेंट लेके आना अंकल वही न्यूज पेपर पढ़ रहे थे बंदा गया बोला अंकल बोला हाँ वो हर सर ने भेजा हाँ तो नहीं अंकल वो कल बिल दिया था ना हाँ दिया था हाँ तो अंकल वो पेमेंट बोला हाँ कर देंगे चल चला इसको आगे बताया कि अंकल ने बोला हाँ कर देंगे बोला ठीक है दो तीन दिन, दिन बाद वापस जाना और अब अगर बोले ना हाँ कर देंगे तो बोलना पेमेंट कर देंगे नहीं पेमेंट चाहिए बोल ना के आना साहब लेके आना पेमेंट ठीक है साहब दो तीन दिन, 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 दिन बाद बंदा वापस गया अंकल वही अंकल अंकल वो वो बिल का पेमेंट करना था बोला हाँ कर देंगे अगर अंकल वापस से न्यूज़ पढ़ने लग गए वो अखबार नीचे करके बोलता अंकल अंगल पेमेंट कर देंगे नहीं पेमेंट चाहिए हाँ, इधर चप मिला पेमेंट चल बंदा चला आया ऑफिस आके हर्ष भैया ने पूछा लिया पेमेंट बोले देख अंकल ने मारा बोला बोला कोई बात नहीं मूड खराब होगा कई बार घर पे मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा कल जाना बोले मैं नहीं जाऊंगा पेमेंट ले रहे दो तीन दिन बाद ये खुद गया साहब ऑफिस गया पापा के इधर उधर की बात कर रहे थे दोनों अच्छा पापा को भी पता है किस लिए आया इसको भी पता पापा को पता है क्यों आया पर पेमेंट की बात नहीं कर रहा इधर उधर की बात कर रहे सब कैसा चल रहा है ये वो सब इधर उधर की बातें फिर लास्ट में इसने बोला पापा वो वो ऑफिस से बंदे को भेजा था वो पेमेंट कर दिया क्या आपने पापा बोला नहीं तो आप कर दो ना यार आपके अकाउंट में वैसे ही पैसे पड़े बहुत सारे करोड़ों रुपए पड़े हाँ कर देंगे पापा क्या कर देंगे पेमेंट तो करना ही है आपको कर दो ना पेमेंट बोला हाँ कर देंगे पापा क्या कर दोगे पेमेंट यार अभी करना पेमेंट मेरे को तो आवाज नीचे रख आवाज नीचे सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हो सरकार इस तुम्हारा पापा पेमेंट चाहिए अभी बोले नहीं कर रहा पापा ने क्या बोला अरे बाबा गुस्सा क्यों रहे है? बाद में कर देना बाद में भी नहीं करूंगा अरे बाबा ऐसा नाराज में तो बैड डेप्ट पापा आप ऐसा नहीं कर सकते कर दिया नहीं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते क्या करेगा मम्मी को बोलेगा जा बोल दे और एक रुपया नहीं दिया हंड्रेड परसेंट डेप्ट आप मुझे बताओ इस पचास लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा दिस हाँ <laughs> जी लगेगा कि <की> नहीं लगेगा सप्लाई शुड बी फॉर अ अब आंसर में मत सोचो बेटा पहले लोगों को a... <laughs> a... <laughs> क्या आपने तो सप्लाई किया इस वाले केस में क्या आपने सप्लाई फॉर अ अंसिडरेशन किया था आवाज सर क्या आपने सप्लाई फॉर कंसिडरेशन किया था यस yes. बताओ सप्लाई है कि नहीं सर है, hey, बात खत्म मतलब उस 50 लेक पर 18% मान लो होता है कितना 9 लाख रुपए मम्मी से लोन लेके टैक्स पे करना पड़ा पर पे करना पड़ेगा जेब से वी डोंट केयर क्लाइंट पैसा दे या ना दे समझे कि नहीं समझे सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन के लिए आप अपने दिल से पूछ लेना कि कंसीडरेशन के लिए काम किया है क्या अगर आपका दिल कहते हाँ तो जीएसटी लगेगा दिल कहते ना जीएसटी नहीं लगेगा भारत माता की जय मतलब फर्स्ट के सोचिए आप आपने दस लाख रुपए पापा ने दिया था बेटा इसको पापा ने खुश होकर दस लाख रुपए दिए थे फिर भी जीएसटी नहीं लगा इधर पचास लाख नहीं दिए फिर भी जीएसटी मतलब केवल पैसा आया कि नहीं आया उसे कंसर्न नहीं है केवल बैंक अकाउंट देख के सर उस बैंक में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है केवल यह देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ सप्लाई है कि नहीं उसके देखने के लिए क्या समझना पड़ेगा सप्लाई फॉर अ कंसीडरेशन है, है कि नहीं है आई होप पूरी पिक्चर आपकी पॉकेट में आ गई यस या नो हा है ना सर अरे पक्का सप्लाई स्टी फॉरिडरेशन सर आप मुझे बताओ मंदिर में डोनेशन दिया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया क्या उसने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पैसा रिसीव किया है क्या, वो consideration किया है? नहीं। क्या उन्होंने किया को करने के लिए, सर? नहीं। नहीं। पर यही अगर उन्होंने नाम लिखने के लिए आपकी बिजनेस का पब्लिसिटी करने के लिए अगर नाम लिखा होता है बेटा क्लियर उसके लिए दस लाख रुपए लिए सप्लाई है सर आप दिल से पूछना की इज इट फॉर अंसिडरेशन और नॉट

दिल से पूछना है, है नहीं है सोच के बताना और अगर आपने सोच के आंसर दिया मेरी गारंटी कभी गलत आंसर नहीं होगा बेटा क्लियर ये मंदिर के डोनेशन जीवनवादी जो पॉइंट था सी बेटा क्लियर हम सर्कुलर याद नहीं हैं, करते हैं हाँ है ना बच्चो क्लियर तो सप्लाई क्या बच्चों क्लियर तो सर सप्लाई शुड बी मेड फॉर अंसिडरेशन ये रहेगा आपके लिए सस्पेंस मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच आई होप मजा आया सर आपको क्लियर है मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच सर